फ्रॉम पेंटिंग्स, ठीक है? नहीं डायरेक्ट नाम नाम पूछा जाता है बस, हाँ डायरेक्ट नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है? कुछ नहीं दिया जाएगा आपसे, बस नाम दिया जाएगा। जैसे दिल आस की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ली पेंटिंग, बस इतना करके छोड़ देंगे। देन यू हैव टू टेल की हु मेक्स देम, ठीक है? वेदर इट इज़ अ ट्राइबल फॉर्म, वेदर इट इज़ मेड बाई योर वुमेन, कि कौन बना रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है, वही बोलें। तो द मेजर फीचर्स इज की ट्राई टू मेक श्योर कि आपका कौन से एरिया से है, आपको वो पता होना चाहिए सिग्निफिकेंस उस पेंटिंग का क्या है, ठीक है? इफ़ देर इज़ एनी सच सिग्निफिकेंसेस, हाँ, कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिक सिग्निफिकेंस है, कि जैसे एक हमने देखा फॉर योर दीज पेंटिंग्स, जो आपका वर्ली पेंटिंग्स फॉर मोर एसोसिएटेड विथ योर रिलीजियस, ठीक है? उसी तरीके से कोलम जो हम जो देख रहे थे वॉज मोर एसोसिएटेड विथ वुमेंस लाइफ, ठीक है? तो जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग आपका सिग्निफिकेंस इज देयर, देन यू ट्राई टू मेक वन मोर कॉलम रिगार्डिंग की कौन से भाव उसमें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मोर नेचुरलिस्टिक आप एक कॉलम बना लीजिए, देन फाइनली, ठीक है? सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज यू कैन रिवाइज लाइक दैट, ठीक है? द बेटर फॉर्म इज कि यू हैव नोट्स, ठीक है? कीप ऑन रिवाइजिंग, आप 3 या 4 बार आप पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम, ठीक है? 5 या 10% आपको जो है वो याद नहीं रहेगा, ठीक है? दोस्त यू कैन इम्प्रूव लेटर ऑन अगर आप बार बार उसको पढ़ेंगे, ठीक है? दिस इज बिकॉज आर्ट एंड कल्चर यू कैन सी यू हैव ओनली 9 to 10, ठीक है, चैप्टर्स आर देयर, ठीक है? उसमें जो आप जो देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आर्किटेक्चर इज़ अ बिगर चैप्टर, तो आर्किटेक्चर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? इट हैज़, क्योंकि ब्रॉडर आपका एस्पेक्ट है आर्किटेक्चर का, तो आर्किटेक्चर में जैसे आर्किटेक्चर के अंदर ही आपके केव्स भी आ जाएंगे, केव्स के अंदर आपकी पेंटिंग्स भी आ जाएंगी, ठीक है? तो उस तरीके से आर्किटेक्चर इज़ अ बिट ब्रॉडर, जैसे हर टॉपिक से एटलीस्ट, बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड, कि आपको पढ़ते रहना है, कीप ऑन रिवाइजिंग, यू विल फाइंड कि क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट टू आंसर, ठीक है? अगर इफ़ यू कंपेयर देम विद रिस्पेक्ट टू योर करेंट अफेयर्स, ठीक है? ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन रिस्पेक्ट ऑफ योर करेंट अफेयर्स, जहाँ पे द स्कोप इज़ वेरी लार्ज, ठीक है? यू कैन नॉट गारंटी एंड से कि इफ आई विल रीड दीज थिंग्स एंड आई विल गेट वन क्वेश्चन आउट ऑफ इट, ठीक है? यहाँ पे एटलीस्ट यू कैन से कि इफ आई रीड आइदर 3 or 4 hours, तो आई एम गारंटीड कि एक क्वेश्चन जो है वो मेरा सही होगा, ठीक है? सो जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर कि यू यूज योर टाइम लाइक दिस, ठीक है? इट शुड बी अ जुडिशियस यूज, ठीक है?